वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। आज हम लोग देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का आपका सर्वेइंग का पार्ट, और ये जो होगा आपका थर्ड पार्ट होगा। और जो अभी तक जो फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो दोनों पार्ट को देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं चैनल पर जाने के बाद, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इन तीनों वीडियो का जो कि आपका सर्वेइंग का मैं प्रोवाइड किया हूँ, इसको आप लोग जो PDF फॉर्म जो मांगते हैं उसको आप प्रिंट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके। मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे वेबसाइट पर चले जाएंगे www.india.com। वहां से आप लोग को सिविल ब्रांच में जाना है और सब्जेक्टिव में जाके वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें india.com YouTube चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिन्होंने पेज को लाइक नहीं किया पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज्यादा रहेगा, वो भी सबसे पहले। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन द एंगुलर एंड द लीनियर मेजरमेंट। आपको मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट आर इक्वली प्रोसेस इन ट्रांसवर्स इन द बैलेंसिंग ऑफ ट्रांसवर्स इज डन बाय। तो ये जो आपका जो कौन से रूल से करते हैं, ये आपका होता है बॉडिच रूल, ठीक है ना, बॉडिच रूल से इसको किया जाता है। फिर है व्हेन द एंगुलर मेजरमेंट्स, आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, व्हेन द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ ट्रांसवर्स आर मोर प्रीसियस देन द लीनियर मेजरमेंट द बैलेंसिंग ऑफ ट्रांसवर्स इज डन बाय ट्रांसी रूल। आपको मोर प्रीसियस अगर होगा और लीनियर मेजरमेंट होगा आपको बैलेंस करने के लिए ट्रांसवर्स को, तो वो क्या होगा आपका ट्रांसी रूल फॉलो करेगा। द मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेवलिंग। लेवलिंग तो आप लोग समझ जाते होंगे, सिविल वाले आराम से समझ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे ब्रांच वाले हैं तो उनको थोड़ी सी कठिनाई होती होगी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि लेवलिंग जो होता है आपको उसका अगर हिंदी में समझे तो इसका समझे कि सतह में लाना, ठीक है। आपको इसको क्या हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग, सतह में लाना, ठीक है। वो कैसे, मान लो चलो ये देखो आपका जो एक जमीन है आपका दिया गया है, इस तरह से कुछ जमीन है, तो हमको लेवल करना है, तो हम एक लेवल आपको बिछाएंगे इसमें और ये जो मिट्टी आपको कट करके इसमें डाल देंगे, तो ये आपका जो एक लेवल बन जाएगा, तो इस तरह से आपका लेवल बन जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लेवलिंग। अब इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम लोग। द सर्फेस विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट्स एज इंडिकेटेड बाय प्लव लाइन इज नोन एज लेवल सर्फेस। समझ गए ना, लेवल सर्फेस क्या होता है, मैं उसको आपको पहले ही बता दिया हूँ। फिर होता है एन आर्बिट्री सर्फेस विद द रेफरेंस टू विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इज कॉल्ड डॉटम सर्फेस, ठीक है ना। ये दोनों तरह के सर्फेस आपके हो गए। फिर है ए लाइन नॉर्मल टू द प्लब लाइन एट ऑल पॉइंट्स इज नोन एज लेवल लाइन। तो देखो लेवलिंग से आपके तीन या चार आपके बन गए यहाँ से, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप आसानी से इसको टिक करके आप आगे बढ़ते चलोगे। अब यहाँ पूछ रहा है ये फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए रेफरेंस ऑफ नोन एलिवेशन इज नोन एज बेंचमार्क। ये आप इसको से समझ गए होंगे कि बेंचमार्क होता क्या है, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट आपका होता है, पहले एक बेंचमार्क दिया जाता है, फिर एक रिड्यूस लेवल भी होती है, आपको उसके बारे में पता होगा। तो ये चलते हैं इसको बारे में थोड़ा समझते हैं। बेंचमार्क क्या होता है कि एनी रेफरेंस पॉइंट हम लोग लेते हैं, किसी किसी का आपको बेंचमार्क दिया रहता है, आपको यहाँ पर फिक्स पॉइंट है आपका, वो आपको बता दिया है गया है कि क्या होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें लिखना है कि एनी रेफरेंस पॉइंट। आपको इतना बस समझना है कि एनी रेफरेंस पॉइंट लेवल मस्ट बी हाइट का पता लगाते हैं उससे, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग हाइट का पता लगाते हैं। आपका बेंचमार्क से उसकी हाइट कितनी है वो भी आपको देखा जाता है उसमें। और एक होता है आपका रिड्यूस लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं RL, और एक बोलते हैं AL, ठीक है, AL और RL मेजर विथ रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल। समझ गए ना, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेजर विथ रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल MSL कर लो, मीन सी लेवल आपको हो जाएगा। पहले आपको पता है कराची से लिया जाता था, लेकिन अब बॉम्बे से लिया जाता है। फिर उसी तरह से आपका AL होता है, सेंटर से लेते हैं, जैसे कि जो आपका अर्थ होता है उससे लेते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको नापा जाता है, AL को सेंटर ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में इसको मेजर किया जाता है। आगे देखते हैं, अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन बेंचमार्क और ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड बैक साइड रीडिंग। अब बैक साइड रीडिंग क्या होती है और एक फोर साइड रीडिंग क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन बेंचमार्क, बेंचमार्क को जब स्टाफ की रीडिंग करते हैं हम लोग, पॉइंट जो एलिवेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में,
बैक साइड आपका क्या होता है, जो ऐसे सिंपल वे में समझना है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट रीडिंग जो आप लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग इज टेकन फॉर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आप देखे होंगे अगर सेकंड ईयर में पढ़े होंगे तो आपको वहां पर बहुत तरह के दिए रहते हैं, यहाँ पे आपको बनाने के लिए बहुत जो निकालने लगता है, ऐसे ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें आपका ऊपर में आपका क्या लिखा रहता है, आपका एक लाइन होता है आपका, इसमें इसमें लेंथ होता है, फिर आपको उसमें क्या बोलते हैं उसमें बेंच मार्क होता है आपका, यहाँ पर निकालना उसमें, फिर लैटिट्यूड निकालना होता है, फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन निकालना होता है, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया रहेगा वैल्यू, यहाँ का आपको फाइंड करना है, फिर यहाँ का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ फाइंड करना, इस तरह से आप लोग निकालते थे, आपको याद होगा। तो उसमें इसी तरह से हम लोग फॉलो करते थे, आपको जो स्टाफ जो है और उसके जो इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट जो है वो लोग हम लोग नाप के उसको किया जाता था। स्टाफ रीडिंग इज टेकन ऑन ए पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड ऑन ए चेंज इज कॉल्ड फोर साइट रीडिंग, ठीक है ना, चेंज करने के बाद। तो इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर साइट रीडिंग आपको ऐसा समझ लो कि जो होता है आपका क्या होता है, ये लेफ्ट रीडिंग बिफोर शिफ्टिंग, आप क्या कहते हैं जो रीडिंग लेते हैं बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उसको हम लोग बोलते हैं फोर साइड। फर्स्ट रीडिंग आपका यहां पर लिख लो, फर्स्ट रीडिंग बिफोर शिफ्टिंग, समझ गए, फर्स्ट रीडिंग बिफोर शिफ्टिंग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द रिड्यूस लेवल ऑफ द प्लेन ऑफ कॉलमेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हम लोग फिल करेंगे इक्वल टू। आगे देखते हैं, द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड। देखो ये आपका एस एस सी जेई 2013 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मैं इसलिए इसको लिया हूँ, एस एस सी जेई 2013 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क प्लस बैक साइड। इन द लेवलिंग द करेक्शन ऑफ द कर्वेचर, और जो आपका जो ये जो दिया गया वैल्यू क्या इसमें रहेगा आपका मीटर्स में रहेगा, इज इक्वल टू 0.0785 डी, और डी का वैल्यू आपको यहां पर दे दिया गया। आगे देखते हैं, इन द लेवलिंग ऑफ द करेक्शन फॉर कंबाइंड कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्शन इन मीटर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.0673 डी, यहां भी आपको डी का वैल्यू और इसमें भी मीटर्स में आपको निकालने होंगे। द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन ए रेसिप्रोकल लेवलिंग इज, आपका जो एरर जो होता है वो आपके कंप्लीटली नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग में, वो कौन सा एरर होता है आपका, जो कि एरर जो होता है आपका रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वो एरर को आप लोग करते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम एलिवेशन, एलिवेशन से आप लोग समझ लो हाइट, समझ लेना, एलिवेशन अबव द डॉटम सरफेस इज कॉल्ड कंटूर लाइन। आपको कंटूर लाइन आपको पता होगा, पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसे होता है कंटूर लाइन के बारे में, आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इजीली उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग द सेम एलिवेशन, सेम एलिवेशन है और बहुत सारे लाइन को हम लोग ज्वाइन करते हैं अबव द डॉटम सरफेस, तो वो आपका हो जाता है कंटूर लाइन। फिर आप देखते हैं द कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल भी एक होता है, कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड, नेचर का ग्राउंड कैसा है, हिली है स्लोपी है, उसका टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। फिर आपका है स्केल ऑफ द मैप, पर्पस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द सर्वे, ठीक है। आगे देखते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। अब हम लोग यहाँ कंटूर इंटरवल तो देख लिए किस किस पर डिपेंड करता है, लेकिन कंटूर इंटरवल होता क्या है, तो होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस। अब क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, दो कंटूर्स के बीच में आपका जो डिस्टेंस होता है वो आपको कंटूर इंटरवल्स उसको बोलते हैं। द कंटूर इंटरवल थ्रू आउट द सर्वे शुड बी कॉन्स्टेंट, क्या आपका कंटूर इंटरवल आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट होता है कंटूर इंटरवल थ्रू आउट द सर्वे। अब जब कंटूर चल रहा है कंटूर इंटरवल साइड में, तो आपको ये समझ लो कि कभी आपका उसका जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, सभी जगह समान होगा। अब यहाँ पे आता है, कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन अनदर ऑन ए मैप ओनली इन द केस ऑफ, ऐसे देखो कंटूर लाइन कभी क्रॉस नहीं करता एक दूसरे से न कट करता है। अब इस लेकिन इसमें क्या दिया है, द कंटूर लाइन्स कैन क्रॉस वन अनदर ऑन ए मैप, कब जब होता है, जब ओवर हैंगिंग क्लिफ का केस होता है, समझ गए, जब ओवर हैंगिंग क्लिफ का केस होता है तब। और ओवर हैंगिंग क्लिफ थोड़ा सा आप लोग जो मैकेनिकल वाले ब्रांच वाले हैं, सिविल वाले तो समझ रहे होंगे, जो मैकेनिकल अदर ब्रांच के हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेना गूगल करके, या आपको पास पता है तो अच्छा बात है ये।
कंटूर लाइंस क्रॉस रिज और वैली लाइंस एट 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। When several contours coincide, it indicates a vertical eclipse. आपका several contours जो coincide कर जाता है एक साथ, तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ है। इन ए रूट सर्वे द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ कंटूरिंग इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाया हूँ और आपको उसमें भी फॉर्मूला भी बताया हूँ, तो इसलिए आपको बने रहे इस वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलें। द टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ कंटूरिंग इज पार्टिकुलरली सुटेबल वेन ए कंटूर मैप ऑफ हिल इज रिक्वायर्ड। क्या होता है यहाँ पर, टेकोमेट्रिक मेथड एक होता है कंटूरिंग करने का, यानी कि कंटूर को देखने का। तो उसमें क्या होता है आपके उसमें कि जब कंटूर मैप जो हिली जो होता है आपका मैप ऑफ हिल जो रिक्वायर्ड होता है, तब आपको टेकोमेट्रिक मेथड उसमें हम लोग यूज करते हैं। द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन हिली कंट्री इज यूजुअली, आपका ये देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। द स्पेसिंग ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ये आपका 2012 का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी ए का। द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन हिली कंट्री इज यूजुअली 20 मीटर। द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड प्लेन टेबलिंग। अब प्लेन टेबलिंग भी क्या होता है, मेथड होता है सर्वेइंग का आपको, जिसमें क्या क्या होता है, इसमें फील्ड वर्क होता है और प्लॉटिंग वर्क दोनों होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबलिंग। आप लोग वो किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोग थर्ड ईयर में ही या सेकेंड ईयर में ही किए होंगे, आई थिंक सो। इन ए प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। आप हॉरिजेंटल एंड डायरेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली किसके थ्रू कर सकते हैं, आपको टेलीस्कोप एलिडेट के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, द प्लॉटिंग ऑफ अ स्मॉल एरिया विच कैन बी कमांडेड फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन इज यूजुअली डन ऑन द प्लेन टेबल बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के मेथड के द्वारा आपको उसमें करते हैं हम लोग। द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली इज ए मेथड ऑफ रीसेक्शन। रीसेक्शन के मेथड से हम लोग प्लेन टेबलिंग करते हैं, ठीक है ना, एस्टैब्लिश करता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को। अब यहाँ पे कहा गया टू थेडोलाइट, थेडोलाइट आपको पता है थेडोलाइट क्या होता है, थेडोलाइट देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसको गूगल सर्च करके देख लेना, थोड़ा सा थेडोलाइट के बारे में फीचर जान लेना। टू थेडोलाइट मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ ए कर्व इन्वॉल्व्स एंगुलर मेजरमेंट्स ओनली, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट्स ओनली। ए कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पर मैं ट्रांजिशन कर्व क्यों बताया आपको, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो इसलिए मैं किया हूँ। आपका एक सबमिट कर्व होता है, वो खुद से आप लोग देख लेना, आपका होमवर्क है ये सबमिट कर्व का, वो भी आप देख लेना, उसमें ट्रांजिशन कर्व मैं बता दूंगा। फिर है यहाँ पे When R is the radius of the curve D, the degree of the curve and the length of the chord आपका 30 मीटर दिया हुआ है, then the relation between R and D is, तो आपका जो relation होता है R और D का वो क्या होता है, 1720 / D, ठीक है। इस पर आपको D का वैल्यू दिया जाएगा, तो आप इसको निकाल भी सकते हो इसको फॉर्मूला के द्वारा, इस फॉर्मूला को रख लेना। अब यहाँ पे हम कुछ और फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में, सीधे अगर पूछ भी सकते हैं, नहीं तो इसके बाद पे आपको न्यूमेरिकल भी आपका आ सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, अगर टोटल लेंथ ऑफ द कर्व जो होता है वो क्या होता है इसमें, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, पाई, आप समझ में आ गया होगा, जैसे ही मैं पाई लिया होगा तो पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय कितना 180, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता था। और आर क्या होता है आपका रेडियस, आर तो आपको पता ही है रेडियस ऑफ द कर्व, और फिर जो आपका ये जो आपका ठिट्टा जो बन के आया ये क्या बन के आया, ये आपका ठिट्टा जो आपका बन के आया ये क्या था आपका डिफ्लेक्शन एंगल, जितना डिफ्लेक्स हो रहा है आपका डिफ्लेक्शन एंगल उसी को बोलते हैं। तो ये आपका इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर ये अगर डायरेक्ट पूछता है कि क्या होता है, तो आप इसको भी याद कर लोगे तो आपको ईजिली हो जाएगा। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कोड, लॉन्ग कोड एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, तो इसमें बन जाता है आपका आर, ठीक है ना, आर वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू, आपको इसका वैल्यू आपको पता रहेगा थीटा के थ्रू, कॉस में करके चेंज करेंगे उसको, और फिर जो आर का होगा आपका रेडियस हो जाता है यहाँ पे, आपको ये भी पता है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको टिक कर दे, ये फॉर्मूला आपका होगा। द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड द सर्कुलर कर्व, देखो मैं ट्रांजिशन कर्व बताया था
उसका मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि ट्रांजिशन कर्व का मैं लिया हूँ यहाँ पे, ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व इज इक्वल टू, तो अब इसका जो क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछता है इसमें तो आपका हो जाएगा एल का पावर स्क्वायर एल स्क्वायर सिक्स आर, आर भी आप समझ गए होंगे क्या होता है ये, एल आपका क्या है, एल आपका लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होगा, ये ध्यान रखना एल क्या होगा आपका दिया रहेगा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और उसके बाद जो आर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, ये आपका इसके फॉर्मूला हो गए। आगे देखते हैं फिर है द शिफ्ट ऑफ ए कर्व इज इक्वल टू, अब यहां से शिफ्ट पूछा है कि कर्व का क्या होता है आपका, तो ये आपका हो जाता है एल का स्क्वायर 24 आर, और उसी से आपको भी डिफाइन होता है, तो आपको इस तरह से कुछ फॉर्मूले होंगे फ्रेंड्स। एक और फॉर्मूला है वो भी देख लें, द एडिटिव कांस्टेंट, सब जगह पूछता है ये टेकोमीटर का एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत जगह एग्जाम में देखोगे, अभी भी इसको सर्च मारोगे तो बहुत सारे जगह पर मिल जाएंगे आपको इसको क्वेश्चन को, तो क्या है एफ प्लस डी, ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शन आपको इस तरह से दे रहेंगे एफ इंटू डी, एफ माइनस डी, एफ प्लस डी और एफ बाई डी, तो आपको क्या करना है एफ प्लस डी वाले को लेके चलना है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब हम फ्रेंड देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल, जैसा कि मैं आपको कल रिज्यूम बताया था, तो आइए कुछ दो दो तीन न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कैसे कौन न्यूमेरिकल पूछेगा, और मैं एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल आपको भी दूंगा जो आप घर पे उसको प्रैक्टिस करना। यहाँ पर दिया गया है कि होल सर्कल बेयरिंग दिया गया है, ठीक है ना, होल सर्कल बेयरिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, ऑफ ए लाइन इज 210, देखो यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है इसको, पढ़ने के लिए भी समझ लो कि 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, समझ गए, 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, इट्स वैल्यू इन क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम इज, आपका वैल्यू पूछ रहा है होल सर्कल बेयरिंग का, आपको वैल्यू पूछ रहा है क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में, तो आपको क्वाड्रेंट समझना होगा सबसे पहले कि क्वाड्रेंट होती क्या है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट आपको तो पता होगा बताने की भी जरूरत नहीं है, इसमें क्या होता है आपका कि इस तरह से आपके ये आपके होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपको पता है क्या कौन सा डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ होता है, ये आपका क्या होता है साउथ होता है, आप पेशेंस रखें फ्रेंड्स अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ठीक है। अब इसमें बोला गया इसका जो वैल्यू दिया गया है आपको पता है कि यहाँ क्या होता है जीरो से स्टार्ट हम लोग करते हैं 90 180 270 ऐसे करके, और इसके बाद यहाँ पे आपका 360 हो जाता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि चलते हैं यहाँ से लेके हम लोग ये जो आपका है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं 180 आ गया, लेकिन कहाँ पे है आपका 210 है, तो यानी कि इससे भी ज़्यादा होगा और इससे कम होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, ये आपका जो हो गया ये आपका मान लो चलो 210 डिग्री 0 सेकेंड 0 मिनट सॉरी 0 मिनट ये होगा 0 सेकेंड ये होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, मिनट के बाद आपका सेकेंड आता है, ये इसका वैल्यू हो गया। अब इसमें हमको क्वाड्रेंट बेयरिंग का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो 180 के पास है ये और देख लो यहाँ पे 270 है, तो इसको हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे इसको कि इसको माइनस कर देंगे, कितने में 210 में 180 को, कहाँ क्या का वैल्यू कितना है वो आपका 180 है, तो 210 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड माइनस आपका कितना करना है आपका यहाँ पे 180, तो आप इसका वैल्यू घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, और अब इसका डायरेक्शन भी लेकर चलेंगे, देखो डायरेक्शन यहाँ पे साउथ था यहाँ पे वेस्ट था, समझ गए ना, तो हम देखेंगे इसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, 30 तो बहुत सारा दिया गया लेकिन इसमें डायरेक्शन भी देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन यहाँ से साउथ है यहाँ वेस्ट है आपका, इसका वैल्यू भी इसी में आ रहा है, तो आप क्या लेके चलोगे साउथ टू आपका वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग साउथ कर देना, यहाँ पे आप लोग क्या कर देना वेस्ट, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ये आपका है ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं हम लोग, इसमें दिया गया आपको रिड्यूस बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज एन नॉर्थ, समझ गया ना, एन के पेन कट रहा है नॉर्थ, तो अब देखते हैं उसका भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया उसी तरह से, यहाँ पे आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया डब्लू में एन और डब्लू, देखो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए ना, इससे आपको अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगा क्वाड्रेंट फाइंड करने में और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें आसानी से बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं,
क्योंकि टाइम कम रहा था, वो कल चेक करते हैं आपको पता है कि नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको दिया गया है तो आप समझो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं आरबी को डब्ल्यूसीबी में, यहाँ पे आरबी है ये रिड्यूस बेरिंग और डब्ल्यूसीबी मतलब होल सर्किल बेरिंग, तो आरबी को हम लोग डब्ल्यूसीबी में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं इसको 360 करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, आपका पता आपको कितना होता है इसका, तो 360 माइनस बेयरिंग ऑफ ए लाइन, बेयरिंग ऑफ ए लाइन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 360 में से 87 को जब माइनस करोगे तो 273 आपका इसका वैल्यू निकल कर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, आसानी से इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब मैं एक और क्वेश्चन इसी में आपको बता देता हूँ, अभी आपको तो ये समझ गए होंगे, आप थोड़ा सा एक देख लें कि मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ यहाँ पे और एक बता भी देता हूँ एक और क्वेश्चन। चलो इसमें क्या दिया गया आपका, सॉरी फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है ना, हाँ चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ आपका दिया गया तो मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन कितना दिया गया आपको, मैग्नेटिक बेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे दिया गया 55 डिग्री, 30 और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका दे दिया गया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 4 डिग्री आपका और 30 वेस्ट में है ये, ठीक है ना। आपको ट्रू बेयरिंग निकालना है, ट्रू बेयरिंग निकालना है, समझ गए, तो ट्रू बेयरिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है इसमें ट्रू बेयरिंग में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कल भी हम फॉर्मूला उसको बताए थे, कल या परसों वाले वीडियो में आप देखे होंगे, तो कितना इसमें से हो जाएगा 55 और 30 माइनस कर देंगे हम लोग 430 को, तो आपका कितना हो जाएगा 51 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स 51 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करना और नहीं तो आपको कमेंट करके बताना है। इसमें क्या है आपका मैग्नेटिक बेयरिंग आपका दिया गया है, क्या है आपका मैग्नेटिक बेयरिंग MB 35 30 E दिया गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इसमें कितना दिया गया आपका MD आपका दिया गया, MB दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका कितना दिया गया आपका 4 degree 10 seconds ईस्ट है ये, समझ गए ना, ईस्ट में है, तो आपको फाइंड इसमें क्या करना है, ट्रू बेयरिंग फाइंड करना है, ट्रू बेयरिंग ये आप लोग के लिए है, आप लोग सोल्व करके बताएंगे कमेंट करें या आप इसको अगले वीडियो में भी बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज एच 28 20 E, यानी कि आपका डायरेक्शन भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है साउथ और ईस्ट में, समझ गए। अब क्या बोलता है इसमें, इफ द डिक्लिनेशन इज 7 degree 30 seconds वेस्ट द टाइम बेयरिंग विल बी, अब इसको क्या कैसे कर लेंगे, अभी उसमें बता दिया हूँ जैसे उसे आसानी से कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा आपको इसमें, आपको दिया गया है 228 और 20, फिर उसके बाद 7 और 30, इसको दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे आपका कितना बन जाएगा 35 degree 50 seconds, और ये देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में है, यहाँ पर आपका डायरेक्शन भी डिफाइन किया गया है साउथ और ईस्ट, ठीक है ना, तो ये आपका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नहीं सॉरी फ्रेंड्स 1 नहीं है यहाँ पे देखते हैं वैल्यू वाले क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना, साउथ और ईस्ट डी ऑप्शन। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।